Very good morning, dear students. Today we will continue the chapter Discovering Tut. The saga continues. Yesterday we talked about that to separate Tut from his adornments. Adornments means कौन कौन सी चीज़ें उनके पास रखी गई थी under the term glittering goods, precious collars, inlaid necklaces, bracelets, rings, etc. Okay, so all of pure gold. So Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. मतलब उन्होंने उनकी बॉडी को कट किया और उनका मम्मी का हेड और मेजर जितने भी जॉइंट थे उन सबको अलग अलग किया. एंड वंस दे हैड फिनिश्ड दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ अ सैंड इन अ वुडन बॉक्स. एक वुडन बॉक्स में डाला गया. एंड नाउ दिस वुडन बॉक्स वेयर टुट वॉज रेस्टिंग. और उसी टुट में क्या कर रहे थे, टुट वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे. नाउ वी विल कॉन्टिन्यू फ्रॉम दिस लाइन दैट आर्क्योलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटैंशली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स. वी नो दैट इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स आर्क्योलॉजी क्या हो चुकी हैज चेंज्ड. How it is changed? Focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. क्योंकि अब ज़्यादा focus किसके ऊपर वो कर रही है, less focus तो कर रही है treasure के ऊपर. Okay, जो treasure किसके साथ रखा गया था, जैसे टुट के साथ जितनी भी ज्वेलरी गोल्ड रखा गया था that is called treasure. Archaeology has changed. How it has changed? Because it now focuses on the details of life and mysteries of death. क्योंकि अब ज़्यादा focus किसके ऊपर कर रही है, means archaeology is now getting attracted towards the details of life and to know something about the mystery of death. और less focus किसके ऊपर कर रही है, less focus is on treasure. It also uses more sophisticated tools including medical technology. Now it uses more advanced medical technologies and tools for research. क्योंकि आजकल ये क्या कर रही है, research करने के लिए medical technologies, advanced medical technologies का use कर रही है. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, Carter की discovery के लगभग 40 years के बाद an anatomy professor x-rayed the mummy. Anatomy professor ने क्या किया, मम्मी को दोबारा से एक्सरे किया. एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. और क्या एक वंडर, एक हमारे सामने एक ऐसा फैक्ट क्लियर हुआ जिससे हम सभी बहुत ज़्यादा वंडर हो गए. और वो फैक्ट क्या था, बीनीथ द रीजन दैट केक्स इज चेस्ट. रीजन कल आपने हमें डिस्कस किया था कि एक स्टिकी सा सब्सटेंस जो कि बॉडी को वहाँ पर स्टिक करने के लिए कॉफिन के साथ लगाया जाता है, तो वहाँ पर उनको क्लियर हुआ हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. काफ़ी सालों के बाद देखो 40 इयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी क्या क्लियर हुआ, दोबारा से जब एक्सरे किया गया तो ये फाइंड आउट हुआ द फ्रंट लिम्ब्स एंड ब्रेस्ट बोन वर मिसिंग. ये सभी चीज़ें क्या थी, मिसिंग थी. टुडे डायग्नोस्टिक इमेज कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी. कंप्यूटेड टोमोग्राफी मीन्स सिटी स्कैन. ठीक है, सिटी स्कैन का फुल फॉर्म है ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी. टुडे डायग्नोस्टिक इमेज कैन बी डन. आजकल डायग्नोस्टिक इमेज का काम भी एडवांसमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी की, तो सिटी स्कैन कैन गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ द होल बॉडी. पूरी बॉडी का एक वर्चुअल इमेज हमारे सामने क्लियर करके ला सकता है. By which hundreds of x-rays in cross section are put together. Okay, hundreds of x-rays cross section में एक ही बार में सारी बॉडी का पूरा क्या निकाल देते हैं, एक वर्चुअल इमेज निकाल देते हैं. Like slices of bread, जैसे एक के ऊपर एक slices रखी जाती हैं bread की, to create a three-dimensional virtual body. What more would a city scan reveal of Tut than the x-ray? Okay, अब क्योंकि x-ray के बाद city scan अब ये क्या reveal करेगा Tut के बारे में. Could it answer two of the biggest questions still lingering about him? कि आज भी जो दो main questions थे जो अभी भी उनके साथ चल रहे थे, means कि with the help of this technology, King Tut's body would be scanned to find out the two important questions. और वो questions कौन से थे, First, how did he die? कि वो कैसे उनकी death हुई? And how old was he at the time of his death? उनकी death के time पर क्या age थी? King Tut's demise was a big event. Demise means death. His death was a shock to royals once, and his death was a big event even by royal standards, means everyone was shocked. He was the last of his family line.
He was the last heir, last person of the family, and his funeral was the death rattle of a dynasty. और वहीं से उनकी क्या क्लियर हुआ, his funeral indicated the diminishment of his dynasty. क्योंकि last person थे तो वहीं से क्या हो रहा था कि उनकी जो dynasty थी वहाँ से उनका diminishment हो रहा था. diminishment means वहाँ से, क्योंकि last person थे तो वहाँ से उनकी पूरी dynasty ख़त्म होने वाली थी. But the particulars of his passing away and his aftermath are unclear. जो aftermath थे means after death. ओके, जो उनके पर्टिकुलर्स थे दैट हाउ ही पास्ड अवे, उनकी डेथ के बारे में और उसके आफ्टरमथ डेथ के बाद क्या क्या हुआ, आर अनक्लियर, मींस इज स्टिल नॉट क्लियर. एमेनहोटेप III, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, वो कौन थे, वॉज अ पावरफुल फैरो, वो बहुत एक अच्छे से राजा थे, पावरफुल राजा थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टी गोल्डन एज. उन्होंने इतने 4 decades तक ऑलमोस्ट रूल किया. हिज सन एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, उन्होंने उसको फॉलो किया एंड बिगिन द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट. और इजिप्ट की हिस्ट्री में उन्होंने कैसा पीरियड, मतलब उन्होंने फेस किया एक स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड. द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द गॉड एटन. ओके, यहाँ पर बात हो रही है एटन, एटन कौन है, वो सन डिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, गॉड सन के. तो क्या बात हो रही है, जो न्यू फैरो थे, जो नए राजा बने, उन्होंने किसको प्रमोट किया, उन्होंने वर्शिप को प्रमोट किया, और किसकी वर्शिप को, एटन गॉड की. चेंज हिज नेम टू एखेनेटन, उन्होंने अपना नेम भी चेंज कर दिया और उन्होंने अपना नाम क्या रखा, एखेनेटन. कोल्ड अमरना, उसका मीनिंग क्या होता है, अमरना. एंड और सेवरल ऑफ सर्वेंट्स ऑफ एटन, उन्होंने अपना नाम इसलिए रखा कि ताकि उनसे ये एटन उन्होंने अपने नेम में इसलिए जोड़ दिया ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि वो किसके सर्वेंट थे, एटन गॉड के सर्वेंट थे. एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखेनेटन. अब क्योंकि पहले जो ओल्ड सिटी थी, ओल्ड कैपिटल था, जो रिलीजियस कैपिटल, मतलब उन्होंने पूरा रिलीजन चेंज कर दिया और अब उस सिटी को किस नई सिटी के नाम से जाना जाने लगा, एखेनेटन के नेम से. एंड नोन एज अमरना, ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन. अब उन्होंने क्या किया, फर्दर ही अटैक्ड अमुन. अमुन कौन थे, अ मेजर गॉड, एक गॉड थे, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया. स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स. इस गॉड की क्या किया उन्होंने, राजा ने इस गॉड की सारी इमेजेस को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया. एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके सारे टेम्पल्स क्या करवा दिए गए, बंद हो गए. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, कह रहे हैं कि कैसा टाइम होगा, एक बहुत हॉरिफाइड टाइम होगा. क्यों, किसने कहा ये हॉरिफाइड टाइम होगा, से सेड रे जॉनसन. रे जॉनसन जो बाद में कौन थे, मतलब हमें क्लियर हुआ कि कौन थे वो, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स. उन्होंने डिक्लेयर किया दैट इट मस्ट हैव बीन अ बैड टाइम फॉर द एम्पायर. पूरी एम्पायर के लिए क्या था, बैड टाइम था. क्यों, क्योंकि उन्होंने गॉड की इमेजेस को क्या कर दिया, तोड़ दिया, उनके टेम्पल्स जो बने हुए थे उनको भी क्लोज करवा दिया. तो ये टाइम क्या था उनके लिए, एक बैड पीरियड ऑफ टाइम था. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड. क्यों, क्योंकि अब जिस भगवान को ही उन्होंने तोड़ दिया तो वो जो पूरा एम्पायर था, जो इतने सालों से रूल कर रहा था, सेंचुरीज से रूल कर रहा था, दैट वॉज कमिंग टू एन एंड. एंड एखेनेटन वेंट अ लिटल वैकी, और क्योंकि उसने भगवान की सभी चीज़ों को तोड़ दिया, इमेजेस को तोड़ा, टेम्पल्स को क्लोज कर दिया, तो एखेनेटन जिन्होंने अपना नेम चेंज किया था राजा ने, वेंट अ लिटल विकी. विकी मीन्स मेंटली डिस्टर्ब्ड. ही मूव्ड इन एन ओड डायरेक्शन. ओके, वो गलत डायरेक्शन में मूव कर गए, मीन्स ही गॉट मेंटली डिस्टर्ब्ड आफ्टर एखेनेटन्स डेथ. अब एखेनेटन की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखारे अपियर्ड ब्रीफली, और वो वहाँ पर आए एक नए राजा, एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस. ओके, एंड वो जैसे ही आए मीन्स ही सक्सीडेड हिम एंड डाइड वेरी सून, उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई. एंड देन अ वेरी यंग तुतन खातेन टुक द थ्रोन. टुट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओके, उन्होंने अपना नेम, देखो उनका नेम यहाँ पर आया है तुतन खातेन. तुतन खातेन ने उस थ्रोन को संभाला. किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जैसा कि हम किस नेम से जानते हैं उनको,
टूट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतन खामून, उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया और क्या नाम रखा उन्होंने, तूतन खामून, लिविंग इमेज ऑफ अमून। उन्होंने देखो जो इनसे पहले वाले राजा थे उन्होंने अमून गॉड की इमेजेस को तोड़ दिया था, उनके टेंपल्स को बंद करवा दिया था, बट जो तूतन खामून थे उन्होंने इस गॉड की लिविंग इमेज को अपने अंदर इन्वॉल्व करने के लिए अपने नेम के अंदर ही उन्होंने क्या डाल दिया, अमून डाल दिया। ओके, सो तूतन खामून ऑल्सो नोन एज टूट ही सेट ऑन द थ्रोन, वो अब वहाँ थ्रोन पर बैठे एंड रूल्ड फॉर 9 years एज आई डिस्क्राइब यू अर्लियर। कितने साल तक उन्होंने रूल किया था, 9 years के। ही वर्शिप्ड गॉड अमून इन द ओल्ड वेज, जैसे ओल्ड वेज में अमून गॉड की वर्शिपिंग की जाती थी बिल्कुल वैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया। बट somehow what happened to him and oversaw a restoration of the old ways, उन्होंने बिल्कुल जैसे ओल्ड वेज में वर्शिपिंग की जाती थी गोल्ड अमून की वैसे ही उन्होंने वर्शिप किया। He resigned for almost about 9 years, वो 9 years तक उस उन्होंने वहाँ रूल किया and then died unexpectedly। हम सभी जानते हैं कि mysteriously, एक मिस्ट्री है हमारे सामने कि उनकी डेथ कैसे हुई। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टूट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी। ओके, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, हम सभी जानते हैं दैट हाउ ही डाइड, हाउ एवर ही डाइड मिस्टीरियसली, हम सभी को उनके मिस्टीरियस के बारे में नहीं पता। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टूट इज वन, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि टूट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, वो बहुत सारी मम्मीज के बीच में वो कहाँ थे, एक इजिप्ट के बीच में ये भी एक मम्मी बन गए थे। विच बिगेन हाउ मैनी, कहते कि कितनी मम्मीज थी, नो वन नोज। एंड द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। टूट इज वन ऑफ द मम्मीज इन इजिप्ट, वेयर एज अंटिल नाउ विद द हेल्प ऑफ द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, हम क्या बता सकते हैं दैट विच स्टार्टेड इन 2003, ये कब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2003 में, ऑलमोस्ट 600 मम्मीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, कितनी मम्मीज वहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं, 600 मम्मीज। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड सिमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। नाउ व्हाट हैपन, किंग स्टूट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट वन टू बी स्कैंड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मम्मीज थी, देखो ऑलमोस्ट 600 मम्मीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट टूट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट वन टू बी स्कैंड बाय सीटी, सीटी आपको मैंने पहले बताया कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, तो फर्स्ट ये थे और उनको किसने डोनेट किया था, नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी और उनके मैन्युफैक्चरर सिमेंस ने। किंग स्टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड, इन डेथ एज इन लाइफ मूवली मूविंग रीजली अ हेड ऑफ हिज कंट्री मैन। ओके, सो वट हैपन्ड हेयर दैट किंग्स टूट मम्मीज वॉज द फर्स्ट वन टू बी स्कैंड बाई सी टी अंडर द नेक्स्ट फेज ऑफ स्कैनिंग द मम्मीज विद द मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड सिमेंस। ओके, सो दिस इज इट विद टूडे, वी विल कॉन्टिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।